चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी एम्स दिल्ली नहीं भेजे जाएंगे। रिम्स की मेडिकल बोर्ड ने 12 गंभीर बीमारियों से पीड़ित लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला लिया है। लालू की किडनी की गंभीर बीमारी के बाबत एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से मदद ली जाएगी। मेडिकल बोर्ड ने रिम्स में हो रहे इलाज पर संतोष जताया है। हालांकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू क्रोनिक किडनी स्टेज 3 बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में उनकी किडनी की बीमारी के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद ली जाएगी। अगर विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट लालू की बीमारी को लेकर अपने सेकेंड ओपिनियन में उन्हें एम्स या किसी और अस्पताल में भेजने के लिए कहते हैं तो रिम्स प्रबंधन इस पर विचार करेगा। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक विवेक कश्यप ने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने लालू की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखने के बाद बोर्ड ने बताया कि उनका सही इलाज चल रहा है। बोर्ड ने किडनी स्टेज 3 की बीमारी के लिए विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट से सेकेंड ओपिनियन लेने की अनुशंसा की है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए बाहर भेजने की बात करता है तो उस पर हम विचार करेंगे। विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट बुलाने के बाबत डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि हम एम्स के पैटर्न पर चलते हैं, एम्स के डॉक्टर से ही परामर्श लेंगे। इससे पहले लालू के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उनके चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बेहतर चिकित्सा के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की थी। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि लालू रिम्स में ही इलाज कराना चाहते हैं, वे एम्स दिल्ली नहीं जाना चाहते। इधर डॉक्टर उमेश प्रसाद की मेडिकल बोर्ड की गठन की मांग के बाद रिम्स प्रबंधन ने 8 सदस्य टीम का गठन किया। मेडिकल बोर्ड टीम के सभी सदस्यों ने गुरुवार को अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान लालू प्रसाद की सभी तरह की जाँच रिपोर्ट देखने के बाद टीम ने फिलहाल यह फैसला लिया कि अभी उन्हें एम्स नहीं भेजा जाएगा। हालांकि आगे बोर्ड के कोई सदस्य जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो वे लालू प्रसाद की दोबारा जांच करेंगे, जिसके बाद ही उन्हें एम्स भेजने पर सहमति बन सकती। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि मेडिकल बोर्ड एवं लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद यह फैसला लिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द ठीक हो जाएं। आप भी लालू प्रसाद यादव के लिए दुआ करते रहिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।